ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कल कौन कौन से श्लोकों पर चर्चा की थी हमने? कल की अवतार नहीं किया था हमने, 23 और 24 दो ही श्लोक किए थे मेरे ख्याल से, है ना? तो 23 और 24 इसमें कह रहे हैं, फटाफट अनुवाद पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 23, 23 नंबर श्लोक में कृष्ण और बलराम के अवतार की चर्चा हुई है। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री भगवान वृणशी वंश में यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया, है ना? तो 19वें अवतार हो गए बलराम और 20वें अवतार हो गए श्री कृष्ण, है ना? क्या किया उन्होंने? संसार के भार को दूर किया यदुकुल में उत्पन्न होके। तो ये श्लोक पे ना हम चर्चा करेंगे। मैंने उस दिन कल भी बताया था 1.3.28, उसमें ये श्लोक बोलने के बाद सूत गोस्वामी को लगा कि शायद मेरे को ये गलत बोल दिया, इसको क्लियर करना पड़ेगा मेरे को, लोग इसको समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण को और बलराम को मैं अवतार कैसे बता रहा हूँ। ये अवतार हैं क्या? ये तो अवतार ही है ना, इनसे ही तो सारे अवतार होते हैं, इन्हीं से तो हमने देखा पूर्व एक्सपेंशन होता है ना? वासुदेव वासुदेव प्रद्युमन अनिरुद्ध, इस प्रकार चार चतुर्व्यूह में एक्सपेंशन होता है और उसके बाद फिर उनका पुरुष अवतार होता है, विष्णु होते हैं, महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु, फिर वहां से सारे एक्सपेंशन आते हैं जितने भी भगवान के अवतार होते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया? ठीक है, तो यहाँ बोल दिया, तो अब इसको क्लियर करेंगे आगे चलते हैं। फिर 24 नंबर में कहते हैं बुद्ध भगवान के बारे में। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो बुद्ध को प्रकट होंगे क्योंकि उस समय हुए नहीं थे जब ये श्लोक बोला जा रहा था, बाद में हुए, लेकिन जब तात्पर्य लिखा जा रहा था तब हो चुके थे श्रील प्रभुपाद के द्वारा, है ना? तात्पर्य लिखा गया तो हमको समझना चाहिए आज से लगभग लगभग 2600 साल पहले आए थे बुद्ध भगवान, राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, आप ध्यान उसमें क्लियर कर दीजिएगा अगर मिस्टेक हो रही है तो। ठीक है, उसके बाद हम आज प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 25 में। 25 में चर्चा करेंगे कल की अवतार के बारे में, है ना? 1.3.25 साथ में दोहराएंगे सब अनम्यूट करके। अथासो युग संध्यायाम अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पति। नाम्ना कल्कि जगत्पति करेंगे
संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्कि जगत्पतिः हरे कृष्ण अथ सो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगत्पति अनुवाद। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुध पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगंधगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इसमें जो चर्चाएं चल रही है अभी अवतारों की, भगवान के जितने अवतार हुए उनकी चर्चा चल रही है, तो 22वें नंबर पे आ रहे हैं अब कल्कि अवतार, जो कि इस कलयुग के एंड में आएंगे, है ना, उनके बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं बता दूं ये लास्ट है जिनकी चर्चा चल रही है। तो 22 टोटल जो है ना, सूत गोस्वामी ने यहाँ पे 22 अवतारों की वर्णन किया है। तो आगे चल के बताएंगे अगले श्लोक में कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंड है, ये तो मैंने कुछ के नाम बताए हैं, ऐसे अवतारों तो अनगिनत है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ कह रहे हैं अथा सौ युग संध्यायाम, है ना। अब इसके बाद जो है वही भगवान युग के जो संध्या होती है, दो युगों की संध्या, है ना, जैसे हम जानते हैं अभी संध्या चल रही है, कौन से दो युगों की संध्या चल रही है, कोई बताएगा? द्वापर युग और कलयुग। द्वापर युग जो है जो निकल चुका 5000 साल पहले, और अभी कलयुग स्टार्ट हो रहा है 5000 साल पहले से। तो ये दोनों का जो मिलन का समय होता है ना, इसको कहते हैं संध्या। जैसे दिन और रात का मिलन होता है तो शाम के समय को क्या कहते हैं? संध्या। संध्या मीन्स मिलना, दो चीजों को मिलन को संध्या कहा जाता है। हम देखते देशों के बीच में भी संधि होती है, संधि, दो बीच देशों के बीच में संधि हो रही है, मतलब उनका मिलना हो रहा है किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे, किसी एग्रीमेंट पे वो लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसको संध्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं दो युग संध्यायाम, है ना, युगों के बीच में, कौन से युगों के बीच में? अभी जो चल रही है वो द्वापर और कलयुग की संध्या चल रही है, लेकिन जब इस कलयुग का अंत आएगा और इसके बाद का सतयुग प्रारंभ होगा, उन दोनों के बीच की जो मिलन का समय होगा, उस समय
कलयुग, वो कलयुग का अंत और सत्युग का प्रारंभ उस समय जो है कल्कि भगवान अवतार लेंगे, है ना। अथा सौ युग संध्यायाम, संध्यायाम है ना, उस संध्या में आएंगे वही भगवान। दस्यु प्रायेशु राजसु, तो दस्यु प्रायेशु राजसु मतलब उस समय क्या होगा, जो राजा जो शासक होंगे वो लुटेरे बन जाएंगे, प्रायः वो सभी को लूटने का काम करेंगे। आज भी वही हो रहा है, लेकिन सोचो उस समय कितनी अति हो जाएगी, कलयुग का प्रकोप इतना खतरनाक आने वाला है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली कलयुग में। आगे कह रहे हैं, जनिता विष्णु यशसो, मतलब जन्म लेंगे विष्णु यश जो है उनके घर में। विष्णु यश उनके पिताजी का नाम होगा, विष्णु यशा है ना, उनके पिताजी उनके घर में उनके कुल में ये जन्म लेंगे। और क्या नामना कल्कि जगतपति, उनका नाम होगा कल्कि और वो जगत के जो है स्वामी हैं और जगत का उद्धार करने के लिए इस तरह से अवतार लेंगे, है ना। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद कीजिए। यहाँ पर श्री भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने का की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्युग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य त्रेता द्वापर तथा कली, इन चार युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। मास चक्र की तरह मतलब समझ में आ रहा है, जैसे हमारे महीने चलते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर जनवरी आ गया। तो जैसे अभी चल रहा है, चलो सपोज करो अगर कोई बोल दे कि अगले आने वाले मार्च में या मई में भयंकर गर्मी आने वाली है, सपोज करो हमारी आनंददायिनी माताजी कहती हैं कल क्लास में, मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि आने वाले अप्रैल मई में गर्मी बहुत तेज हो जाएगी, तो क्या कहेंगे हम लोग सब, अरे वाह वाह क्या खूब कही, ऐसी भविष्यवाणी कर दी आपने, तो हमको पता ही नहीं था। तो ऐसा है, ये ऐसी चक्र चल रहा है, जैसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सत्युग आ जाएगा। तो अगर कोई बोले सत्युग में तो फिर सब सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, फिर सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, भगवान की भक्ति चालू हो जाएगी, तो ये तो नेचुरल है। ये जैसे मास चक्र चल रहा है ना, वैसे ये युग चक्र भी चल रहा है ना। तो युग चक्र क्या चल रहा है, उस समय आएंगे कल्कि अवतार। आगे लिखा है, वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब 4,32,000 टोटल ड्यूरेशन है कलयुग का, जिसमें से मात्र 5,000 साल बीते हुए हैं, वो भी संध्या काल के बीते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा द्वापर का भी इफेक्ट है। मतलब पूर्ण रूप से कलयुग अभी अपनी जवानी में आया नहीं है, अभी बच्चा है, शिशु है, शिशु है, शिशु छोटा बच्चा है अभी कलयुग। तो अभी मात्र 5,000 साल बीते हैं। आगे लिख रहे, अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल्कि अवतार लेंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि ये सभी भविष्यवाणी काल क्रम में सिद्ध होंगी, श्रीमद् भागवतम की यही प्रमाणिकता है। तो प्रमाणिकता ये है कि भविष्यवाणी भी हो रही है श्रीमद् भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम में मैं बता दूं आप सबको, चैतन्य महाप्रभु की भी भविष्यवाणी हुई थी और हमने देखा बुद्ध भगवान की भी भविष्यवाणी हुई थी। तो ये दोनों सत्य घटना हो चुकी है, और कलयुग में अंत में कल्कि भगवान के लिए भी लिखा है, तो वो भी सत्य होगी ही होगी। और कलयुग के बारे में लिखा है कि आने वाले समय में केवल आदमी रिश्ते उनसे रखेगा जिनसे उनके शरीर का पालन पोषण या इंद्रिय तृप्ति हो रही है, बस, और कोई बेस नहीं रहेगा रिश्ते रखने का। संबंध इसीलिए रखा जाएगा जब तक उनसे कोई इंद्रिय तृप्ति हो रही, सिर्फ शारीरिक स्तर पे संबंध रखा जाएगा। और बताते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इंसान की आयु कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और 20 वर्ष तक पहुंच जाएगी। 20 वर्ष तक कोई जिएगा तो बोलेंगे एकदम परफेक्ट जिया है भाई, पूरा जीवन जी के गया है।
जैसे हम बोलते हैं ना 80-100 साल में, भैया बहुत बढ़िया जी के गया, वैसे ही 20 साल में बोल देंगे। जैसे क्रिकेट में भी देखते हैं, पहले 5 दिन का क्रिकेट मैच होता था, है ना, टेस्ट मैच, फिर आया वनडे मैच, 1 दिन का क्रिकेट मैच, अब 2020 आ गए, खाली मात्र 20 ओवर का गेम चलेगा, कौन बैठेगा इतना देखने के लिए। तो वैसे ही आने वाले समय में उम्र भी कम हो जाएगी और हाइट भी कम हो जाएगी, हाइट भी कम हो जाएगी। पहले द्वापर के युग में इंसान की जो है हाइट थी 20 फुट, 12-15 फुट, 20 फुट, ऐसा हाइट होती थी पहले। उसके पीछे जाएंगे तो और बड़ी हाइट, फिर उसके पीछे सत्ययुग में जाएंगे तो 100-100 फिट तक की हाइट होती थी। तो इस प्रकार जो है ना हाइट भी कम हो गई, तो कलयुग में भी और हाइट कम हो जाएगी। बोलते 1 फुट के बौने हो जाएंगे व्यक्ति, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, 1 फुट मात्र। और धरती जो है सारे जो है ना अपने रत्न और अन्न ये सब देना बंद कर देगी, मतलब उपजाऊ मट्टी नहीं मिलेगी। चारों तरफ जो अभी इतने तरह तरह के विभिन्न प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं, वो सब होना बंद हो जाएंगे। और व्यक्ति केवल जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए जिएगा, और मांस भक्षण, इवन मनुष्यों का मांस भक्षण स्टार्ट हो जाएगा, और आपको कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी बोलने की सुनने की। आपको भगवान का नाम लेंगे तो आपके जबान को काट दिया जाएगा, आपकी सोच आपके विचारों तक को कंट्रोल किया जाएगा कि आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये भी उनके पास जो है डिजिटली उनके हाथ में आ जाएगा, शासकों के हाथ में। आज भी हम देखते हैं ऐसे ऐसे नए नए ये लोग साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं कि पहले हम क्या बात करते थे किसी को पता नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्या बात करते हैं सबको पता पड़ जाता है, कैसे, मोबाइल के थ्रू। मोबाइल में इनके पास सब रिकॉर्डिंग होती है, सब चिप रहती है, सब चला जाता है इनके पास, आप क्या क्या बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पासवर्ड क्या है, सब उनके पास निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे और कंट्रोलिंग बढ़ जाएगी, और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज का कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाएगा। तो बहुत कहने का मतलब, बहुत खतरनाक समय आने वाला है, और इस समय से हमको जो है अभी से ही जागृत होके फटाफट भगवत धाम चले जाएं, नहीं तो अगर दोबारा अगर आना पड़ गया तो पता नहीं क्या हाल होगा हमारा। ठीक है, तो अगले श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सत्युग और कलयुग के अंत में जब संध्या होगी, तब जो है कल की अवतार लेंगे विष्णु यशा के पुत्र के रूप में, और उनका एक सफेद कलर का घोड़ा होगा, और वो हाथ में तलवार लिए सभी सभी का नाश करेंगे। और कहा जा रहा है शास्त्रों में कि जो वैष्णव देवी है, हम जाते हैं ना वैष्णव देवी जो हिमालय वहाँ पे नॉर्थ में कटरा के पास में, कहते हैं कि वो उनसे विवाह करेंगे, कल की भगवान का विवाह होगा वैष्णव देवी से, आगे चल के कलयुग के अंत में इस प्रकार जो है ना घटना घटेगी। श्लोक नंबर 26 साथ में दोहराएंगे। अवतारा ही असंख्येय, अवतारा हरे सत्व निधेर द्विजा, हरे सत्य यथा विदासीनः कुल्या, यथा विदासीनः तरसः स्युः सहस्रशः। सरसा सहस्रशः रिपीट करेंगे। कोई रिपीट करने वाला नहीं है। अवतारा ही असंख्येया अवतारा हरे सत्वा निधे द्विजा सत्वनिधि यथा विदासिनः कुल्यः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः कृष्ण और कोई अवतारा ही असंख्येया अवतारा ही तरसः असंख्येया स्युः
हरे सत्वनिधिर्द्विजाः हरे यथा विदासिनः कुल्याः यथा सरसहस्योः सहस्रशः अनुवाद। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो अब यहाँ पे वो स्टॉप ले रहे हैं। सूत गोस्वामी बोले, मैं कितने अवतारों की चर्चा करूं, मुख्यतः अवतार बता दिए मैंने। अब यहाँ पे जो है ना, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जितने मैंने नाम लिए उतने अवतार है। अवतार तो असंख्य हैं। श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो हम देखते हैं जैसे पहाड़ में बारिश गिरती है तो झरने निकलते हैं, तो उसकी कितनी सारे ब्रांचेस हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं इधर उधर इधर उधर, असंख्य हो जाते हैं वो। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान के जो अवतार हैं वो भी असंख्य, अवतारा ही असंख्याये, मतलब असंख्य अवतार हैं भगवान के। हरे सत्व निधेर द्विजह, हरे मीन्स जो श्री भगवान हैं उनके, सत्व निधे द्विजह मतलब हे ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स किसको बोल रहे, शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं ये सूत गोस्वामी, उनको बता रहे हैं हे द्विज, भगवान जो है हरे के सत्व निधे, जो कि खजाना है, एक सागर है वो सत्व निधे, है ना। भगवान से मतलब इतना कुछ है भगवान के अंदर, जितना निकालो कम ही नहीं होता, वो कम ही नहीं होगा, उतना पूरा का पूरा एज इट इज पड़ा रहता है, खजाना है वो। यथा अविदासीनः कुल्या, जिस प्रकार अक्षय, अक्षय मीन्स जो कभी खत्म ना होने वाला, कुल्या मीन्स नाले या ऐसे छोटे छोटे जो स्रोत है जल के स्रोत, ये निकलते हैं सरसा, ऐसे सरोवर से निकलते हैं जो स्यु सहस्त्र, हजारों हजारों उस सरोवर से छोटे छोटे जैसे कुल्या नाले निकलते हैं, वैसी भगवान के अनेक असंख्य भगवान के अवतार होते हैं। तो भगवान के अवतार ऐसे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे, जिस प्रकार नदियों में तरंगे या समंदर में तरंगे आती है ना, लहरें आती रहती हैं, उस प्रकार भगवान के अवतार हैं जो हर पल हर समय कहीं ना कहीं अवतार होते रह रहे हैं और अपनी लीला करते रह रहे हैं, करते रह रहे, करते रह रहे। अनगिनत अवतार हैं भगवान के, अनगिनत। मतलब इस ब्रह्मांड की बात करें, दूसरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड ही अनंत हैं, हर ब्रह्मांड में भगवान कुछ न कुछ लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड कितने, हमने पढ़ा था भगवत गीता में, जितने अटलांटिक सागर में बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड हैं। तो कोई गिन सकता है क्या? कोई नहीं गिन सकता। अरे ब्रह्मांड ही नहीं गिन सकते, इतने सारे ब्रह्मांड हैं। तो उन ब्रह्मांडों के अंदर जो इतनी सारी भगवान की लीलाएं चल रही है, उसको कैसे कोई समझ लेगा? तो ये सब सुन के बस एक ही चीज समझ में आता है कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को तो नहीं समझ सकते, ये समझ में आता है बस, और कुछ समझ में नहीं आता कि हम लॉजिक से भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तात्पर्य, तात्पर्य में ये प्रभु अपना श्री अपना प्रहलाद महाराज का एक जो है ना श्लोक का सीधा सीधा यहाँ पे अर्थ लिया गया है ना। तो मैं पढ़ ले रहा हूँ। श्री भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यहाँ केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेक अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव हरि, हंस प्रिंशीन प्रिंशीन गर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अनेकानेक अवतार। तो कुछ अवतारों की चर्चा यहाँ पे करी है श्रील प्रभुपाद ने, जो ऑलरेडी सूत गोस्वामी ने लिस्ट में नहीं लिए हैं, है ना। आगे कह रहे हैं, श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, ये कौन सी स्तुति है? तो ये श्लोक नंबर है 7.9.38, है ना, श्रीमद् भागवतम 7.9.38 का ये अनुवाद है। तो पढ़ रहे हैं ये, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं, है ना। तो कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं, हम जानते हैं, है ना। जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख,
हवा में उड़ने वाले 10 लाख, रेंगने वाले 11 लाख, 20 लाख ये वनस्पति वृक्ष आदि, 30 लाख चार पैर वाले और 4 लाख मनुष्य। इस प्रकार 84 लाख योनियां होती हैं, जो टोटल डाल के ये सारी की सारी, इतने कह रहे हैं, इतने तो आपके अवतार है ही हैं कम से कम, और ज्यादा हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों के आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। तो कलयुग में कौन सा भक्त के वेश में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। कलयुग में श्री भगवान का यह अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हम पढ़ेंगे, जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब उसमें बताए देखेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को अपने विश्व रूप दिखाया, किसी को नरसिंह रूप दिखाया, किसी को कौन सा रूप दिखाया है ना, अलग 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 रूप दिखाए हैं उन्होंने। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान अनेक अवतार हुए यथा श्री राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, लेकिन कभी कभी श्री भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रह्म संहिता में कहा है कि वैसे तो भगवान अवतार के रूप में कई बार आते हैं, लेकिन कभी कभी खुद भी आ जाते हैं, अवतारी भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार अवतार आएगा। तो हम जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार तो भगवान आते हैं, कृष्ण स्वयं, है ना, स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में। एक दिन में 14 मनु होते हैं और 1000 चतुर्युग होते हैं। तो 1000 चतुर्युग में एक बार कृष्ण आते हैं, जो कि इसी युग में आए थे। और हम सब की बहुत बहुत जो है ना खुश नसीबी है ये, हम सब का जो है ना बहुत बड़ा क्या बोले, कहीं ना कहीं पुण्य है, जो हमको ऐसे काल में समय मिला, जन्म मिला है, जब अभी अभी 5000 साल पहले कृष्ण होके गए और उनकी कथा रूप में गीता मिल गई, उनका ज्ञान मिल गया, उनका नाम मिल गया। क्योंकि ये दूसरे युगों में अगर हम जन्म लेंगे, दूसरे मनवंतर में जन्म लेंगे, तो एज इट इज ये सब चीजें नहीं मिलेंगी हम, क्योंकि कृष्ण कृष्ण के रूप में आएंगे नहीं, विष्णु के रूप में आएंगे। और विष्णु या शिव या अन्य अन्य किसी भी रूप में आएंगे तो ये ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, है ना, उस समय काल क्रम में ये ज्ञान हमको नहीं मिल पाएगा और हम मुश्किल हो जाएगी जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। तो श्री कृष्ण जो आए हैं वो अवतार नहीं है, वे और श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों अवतारी हैं। इनसे अवतार होते हैं, बाकी सारे ये स्वयं अवतार नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के यहाँ पे यही मतलब है कि जिस प्रकार अनेक अनेक नदियों से छोटे छोटे नहीं अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती, वैसे ही भगवान के अवतार हैं, असंख्य अवतार। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 27 में, साथ में दोहराएंगे। ऋषयो मनवो देवा देवा मनुपुत्रा महोजस, मनुपुत्र कला सर्वे हरेरेव, कला सर्वे प्रजापतयः स्मृता। सा प्रजापतय प्रजापते स्मृता ऋषियो मनवो देवा ऋषयो देवा मनुपुत्रा महोजस मनुपुत्रा मनुपुत्रा कला सर्वे हरेरेव प्रजापतयः स्मृता प्रजापति मनवो देव देवा मनुपुत्र महोषजसा
मनुभूतमागोदस्तम कलह सर्वे हरेरेव कलह प्रजापतये स्मृता प्रजापतये स्मृता। स्मृता अनुवाद। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। ऋषयो मनवो देवः, ऋषिगण और समस्त मनु, मनु हम जानते 14 मनु हुए, जैसे वैवस्वत मनु है ना, और अभी स्वयंभू मनु और चाक्षुष मनु, ऐसे अनेक अनेक जो 14 मनुए होते हैं उनकी बात चल रही है कि मनु और ऋषिगण, जैसे सप्त ऋषि हैं जो कश्यप मुनि हैं, इस तरह के जो 7 ऋषि हैं, और सभी देवता। उसके बाद कह रहे हैं मनु पुत्रा, मीन्स मनुओं के भी संतानें जो हैं उनकी बात चल रही है, और महाओजस, और भी अन्य अन्य जो शक्तिशाली उत्पन्न होते हैं, जो भी जीव शक्ति जिनके अंदर बहुत सी शक्ति भगवान देते हैं, वो कला सर्वे हरेर एव, मीन्स या तो वो कला मीन्स पूर्णांश के अंश के भी अंश, कला मीन्स जो भगवान के अंश हैं उनके भी अंश, सर्वे सामूहिक रूप से हरे श्री भगवान निश्चित ही ऐसे, मतलब भगवान जो हैं वो अपने अंश या उनके भी छोटी सी शक्ति इन सब के अंदर प्रवेश कराते हैं। सप्रजपतया स्मृता, और साथ में प्रजापति भी सम्मिलित हैं, मतलब इनके अंदर जो शक्तियां आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो भगवान की आती हैं, उनकी अंश उनके अंश के भी अंश हैं, मतलब किसी में ज्यादा शक्ति किसी में कम शक्ति है, भगवान के अंश के भी अंश भी कई लोग होते हैं। तात्पर्य दो लाइन का मात्र तात्पर्य वह शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। जो अपेक्षतया अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। तो आवेश आवेश शक्ति आवेश भक्ति आवेश ज्ञान आवेश, जैसे हमने पढ़ा 4 कुमार ज्ञान के आवेश अवतार, ज्ञान उनके अंदर अत्यधिक था। नारद जी भक्ति के जो है ना आवेश अवतार, भक्ति आवेश अवतार, और जो है शक्ति आवेश अवतार में व्यास देव आए है ना, हमारे जिनके अंदर शक्ति थी वेदों की शक्ति। तो जिनके अंदर भगवान डायरेक्ट शक्ति का संचार कर देते हैं वो होते हैं शक्ति आवेश अवतार, और जिसमें इनडायरेक्टली मतलब थोड़ी सी मात्रा में और अंश के भी अंश के रूप में आ जाए वो कहते हैं विभूतियां, है ना, जैसे कि देवता मनु प्रजापति, ये सारे जो है ना विभूतियों में आते हैं, जिनके अंदर भगवान डायरेक्ट नहीं देते, वो इनडायरेक्टली उनको सारी शक्तियां थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे देते हैं। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, वन दूसरे कैंटो का लास्ट श्लोक, दूसरे कैंटो बोलो दूसरे अध्याय का 1.2.34 था मेरे ख्याल से, हाँ 34। इसमें कहते हैं भावयत येष सत्वेन लोकान वै लोक भावना लीला अवतार, लीला अवतार अनुरोतो देव तिर्यंग नरादिशु, है ना, कि देवता पशु और नर मनुष्य के रूप में भगवान विभिन्न विभिन्न अवतार लेते हैं। जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, देवताओं मनुष्य तथा निम्न पद पशुओं से आवासित रहे सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में सत्व गुण में रहने वाले के उद्धार के हेतु लीलाएं करते हैं। तो इन सब रूपों में वो अलग अलग लीला करते हैं, पशु के रूप में और मनुष्य के रूप में और देवताओं के रूप में। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि भगवान ऐसा नहीं है सिर्फ मनुष्य के रूप में आते हैं, देवताओं के रूप में आते हैं, हर रूप में आते हैं, है ना, नरसिंह भगवान है ना, वराह, ये तरह के मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, ये सब पशु के रूप में आए, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनमें पूर्ण रूप से भगवान का संचार था शक्ति का, और हम इनको कभी भी भगवान से अभिन्न नहीं समझ सकते, उनको भगवान ही मानना पड़ेगा, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे कुर्म अवतार हो, चाहे कोई और और क्यों ना। साढ़े सात
ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि कल जो ये श्लोक होने वाला है 28वां श्लोक, मैं चाहूँगा कि इसका तात्पर्य आप सभी पढ़ के आए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम कल पूरा, कल की क्लास पूरी हम इसी एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, और अगर पढ़ के आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एक श्लोक क्या कहने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का सार है ये, है ना। या एक काम करते, ये श्लोक पढ़ ही लेते हैं, हमारे पास समय तो है ही है, समय है, पढ़ लेते हैं श्लोक, साथ में दोहराएंगे ये श्लोक। सब अनम्यूट कर सकते हैं अपना। एते च अंश कलह पुंसा, एते च अंश कलह कृष्णस्तु पुंसा भगवान स्वयं, कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलं लोकम्, इंद्रियाणि व्याकुलं व्याकुलं लोकम् लोकम् मृणयन्ति युगे युगे, मृणयन्ति युगे युगे। कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान इंद्रियादि व्याकुलं लोकम् इंद्रियाणि मृणयन्ति युगे युगे मृणयन्ति हरे कृष्ण प्रभु। एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं भगवान लोकम्, स्वयं मृणयन्ति युगे युगे हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये सबको याद करना है ये श्लोक, कल मैं पूछूंगा, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का पूरा कंक्लूजन है इस श्लोक में। पूरा भागवतम को अगर बोलेंगे कि क्या है पूरा भागवतम, अगर एक श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है तो वो यही श्लोक है। एते च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे। और सत्यम प्रभु ने याद दिला दिया, मैंने एक होमवर्क दिया था कि 6 क्वेश्चन जो थे वो कौन से थे, किसी को याद है? किसी ने होमवर्क किया है? जी प्रभु जी, क्या बात है, होमवर्क का नाम सुनते ही जी सबका प्रभु ध्यान इधर जी, उधर हो याद जाता है है। प्रभु जी। कोई हैंड रेस तो करो भाई। प्रभु जी मेरे में ऑप्शन एंड नहीं है हैंड रेस का। ओके ओके, एंड दिस ऑप्शन रहता है वैसे, जो नीचे है ना इमोजीज रिएक्शंस में जाएंगे ना, रिएक्शंस में जैसे टच करेंगे तो ऊपर ऊपर हैंड रेज आएगा, वो उसको आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। हाँ आ गया ना, ठीक है। तो 5 लोगों का हैंड रेज है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जान के। तो 5 लोग हैं, तो 5 लोग एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन कौन सा था वो पहले पहले बताएंगे। सबसे पहले आनंददायिनी माता जी आप बताएंगे कि पहला प्रश्न क्या था। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहला क्वेश्चन था जनसाधारण मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकर मार्ग क्या है और किस प्रकार उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी हाँ तो सरल विधि को कृपा करके बताइए। श्लोक नंबर याद है क्या? नहीं श्लोक तो नहीं ठीक है, कोई बात। तो श्लोक क्रमांक 1.1.9 तो है, इसमें ये माता जी ने जो जैसे बताया पहला क्वेश्चन था कि 1.1.9, अतः दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाले विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो ये पहला प्रश्न था।
और दूसरा प्रश्न यह सत्यम प्रभु आप बताएंगे। इसमें है इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे वेद हैं, उनके विभाग हैं, उनमें से जिससे आत्मा को तुष्ट किया जा सके उसका सार बताएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्लोक क्रमांक याद है क्या? ग्यारह नंबर में आता है कि शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। बहुत सुंदर, यस। तो थर्ड रूपाली माता जी बताएंगी थर्ड क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तीसरा प्रश्न सोनाकादी ऋषि के थे कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने देवकी और वासुदेव के घर में ही जन्म क्यों लिया और उन्होंने नंद यशोदा के घर में भी क्यों जन्म लिया? तो आपका याद है, आपको लिखा है आपने श्लोक नंबर? नहीं, प्रभु जी श्लोक नंबर नहीं लिखी हूँ। कोई बात नहीं, 1.1.12 जो है 12 नंबर श्लोक है, तीसरा प्रश्न। इसमें पूछते हैं, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? तो भगवान का उद्देश्य क्या था प्रकट होने का देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में? ये प्रश्न था तीसरा। यस, चौथा प्रश्न पद्म प्रिय देवी दासी माता जी बताएंगी हमारी। हरे कृष्णा माता जी बताइए। प्रभु जी, चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार के बारे में, उसके बाद अवतार के विषय में मतलब जानने हैं, तो उत्सुक और मतलब पूर्वती आचार्यों द्वारा बताए गए मतलब वचनों और उसके श्रवण को कीर्तन दोनों मनुष्य की दोनों को उन्नति मनुष्य की उन्नति होगी ऐसे कुछ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माता जी ने बताया। श्लोक नंबर 13 1.1.13 चौथा प्रश्न है, वो कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं, कृपया हमें पूर्ववर्ती। मयूरी माता जी आप प्लीज बार बार अनम्यूट कर देती हैं, म्यूट में रखिए तो ठीक रहेगा। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि इनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, पांचवा प्रश्न का आंसर देवलता, देवलता जी देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। पांचवा क्वेश्चन था, 18 नंबर श्लोक में अवतारों की लीलाओं का वर्णन करें। बिल्कुल सही कहा। तो 17 और 18 दोनों श्लोकों में जो है ना वो पांचवा प्रश्न है। तो 17 को मैं पढ़ता हूँ, फिर 18 को दोनों का अनुवाद पढ़ता हूँ। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनकी गुणगान करते हैं, अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। और 18वें में पूछते हैं, हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। और छठा प्रश्न जो है वो कौन बताना चाहेगा? आनंददायिनी माता जी आप ही बता दीजिए। नहीं, जूही माता जी आ गई हैं लाइन में। यस, जूही माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। छठवां क्वेश्चन था, परम सत्य समस्त योग शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, हमें बताइए कि धार्मिक सिद्धांत किसकी शरण में जाएंगे अब? बिल्कुल सही कहा माता जी ने। श्लोक नंबर 23 इसमें कह रहे हैं, जब कृष्ण अपने धाम लौट गए
तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, है ना। तो चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो ये छह प्रश्न है जिसके आंसर में सूत गोस्वामी ने पूरी श्रीमद् भागवतम कथा कह दी, है ना। ठीक है, तो रेगुलर जो इंटरवेल्स में हम थोड़ा थोड़ा पीछे का भी रिवीजन करेंगे, ताकि पीछे का भूले ना, आगे पाठ पीछे सपाट वाला हिसाब नहीं करना है। पता लगा आगे तो बढ़ते जा रहे, पीछे का कुछ याद भी नहीं है। हल्का फुल्का मेहनत करेंगे अपनी अपनी ओर से, कुछ ना कुछ होमवर्क करते रहेंगे, तो याद बना रहेगा कि क्या था पीछे, क्या भगवान ने कहा, किस प्रकार पहले कैंटो के दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में किस किस चीजों का वर्णन हुआ। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। कल का होमवर्क है कि आपको 28वें नंबर श्लोक का जो है तात्पर्य पढ़ के आना, है ना, पूरा तात्पर्य। कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ें, और कुछ पॉइंट्स निकाल के रखिएगा जो समझ में ना आए तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तवृंद की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर पे मानंद हरि 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 हरि